बाबू लवली और मेरे साथ हैं गौतम कुमार गौतम। और जैसा कि आपको पता है कि आज लालू प्रसाद का बर्थडे है, आज वो 72 साल के हो गए हैं। ऐसे में ईबी न्यूज स्पेशल ना करे ऐसा कैसे हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी ओकेजन क्यों ना हो, कोई भी स्पेशल डे क्यों ना हो, चाहे कोई भी राजनेता का बर्थडे हो, अभिनेत्री का बर्थडे हो, अभिनेता का बर्थडे हो, हम कुछ अलग करने की हमेशा ताक में होते हैं। और आज भी हम सोच रहे हैं कि लालू जी का बर्थडे है तो क्यों ना कुछ अलग करें। और इसके साथ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं गौतम। और जैसा कि मैं हम आपको बता दें कि ये ना सिर्फ एक बेहतर रिपोर्टर हैं बल्कि बहुत बड़े और बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट भी हैं, क्यों गौतम? बिल्कुल, मिमिक्री मेरा शौक रहा है बचपन से, जैसे कि आप जानती हैं लवली की मिमिक्री, और लालू प्रसाद यादव की से ही मैंने शुरू करी थी। जब मैं बहुत छोटा था तो लालू प्रसाद यादव का डायलॉग सुनता था तो मुझे लगता था कि लालू प्रसाद यादव वाकई एक बहुत बड़े फैन है, और उनका जो अंदाज है, चाहे वो बाल को ऐसे करने का अंदाज हो या किसी को समझाने का अंदाज हो, तो वो बहुत अनूठा था। और यही वजह है कि ना सिर्फ बिहार में बल्कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव की जो मिमिक्री है वो लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। आज हम लोग भी एकदम फ़नी वाले मूड में हैं, बिल्कुल फ़नी फ़नी तरीके से जो है, मैंने काला चश्मा भी पहन लिया है, और क्योंकि लालू प्रसाद का बर्थडे है तो थोड़ा अलग अंदाज ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। और तो हमने यही सोचा है कि आज कुछ स्पेशल मिमिक्री जो उन्होंने आज तक जितने भी बेहतरीन डायलॉग्स हैं जो काफ़ी फेमस रहे हैं, भले ही माहौल आज जो भी हो, आज जिन जो भी चीज़ चल रहे हों उनको लेके, लेकिन बात आप मानिए चाहे नहीं मानिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो लालू प्रसाद की काफ़ी ज़्यादा फेमस है जी, है कि नहीं? बिल्कुल, और लालू प्रसाद यादव को आज जिन लोगों ने विश किया होगा तो वो अगर किस तरीके से शुभकामना लेते हैं या देते हैं तो उनका भी एक अंदाज होता है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, किस जैसे आप कहिए कि आपने मुझे विश किया लालू प्रसाद यादव को जी, तो कैसे करेंगे आप? हैप्पी बर्थडे आप बोलेंगे? मैं बोलूँगी हैप्पी बर्थडे लालू जी, लालू प्रसाद जी। वेरी गुड, देखिए जन्मदिन तो हमारा हर साल आता है लेकिन ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ जो है हमको पता नहीं है, सब कोई आजे के दिन मना रहा था इसीलिए आज हमारा हैप्पी बर्थडे आज से सब लोग मनाता है। मतलब ये जो अंदाज है ये कंटिन्यू चलते रहेगा क्योंकि हम आज ऐसे ऐसे डायलॉग्स लेके आए हैं लालू जी के, लालू प्रसाद के, कि आप अगर सुनेंगे तो सुनते रहेंगे। और इसको जो है स्पेशल टच सिर्फ जो हमारे साथ हैं ये भी लालू का ही हम इनको फॉर्म कहेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी लालू की मिमिक्री करते हैं। तो एक डायलॉग है मेरे पास, हम गौतम जी को बोलेंगे कि ये वाला डायलॉग लालू के अंदाज में करके बताएं। धत बुड़बक। एक जब भी कोई पब्लिक या कोई उनसे मिलने भी जाता, चाहे वो मीडिया का ही क्यों ना हो, तो अक्सर वो कहते हैं धत बुड़बक, जब देखो तो सब हमारे आगे पीछे घेर लेता है, जाइए अपना अपना काम कीजिए, चलिए। तो ये जो अंदाज होता था उनका, वो सामने वाला कोई भी हो एकदम उसको झटाक से बोल देते थे बात बुड़बक चलिए। और ये आज के डेट में बहुत ये डायलॉग काफ़ी फेमस भी है। बिल्कुल, आज के डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, आम लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये लालू का अपना अंदाज था जी। और आज जितने भी एक्टर्स कॉमेडियन जो भी कह लें, अगर लालू की बात आती है तो ये डायलॉग तो ज़रूर मारते हैं, धत बुड़बक, धत बुड़बक। थोड़ी सी मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है इसको बोलने में, लेकिन गौतम जी को बिल्कुल नहीं होती है दिक्कत, जैसा कि आपको पता है। बुड़बक दिक्कत कहाँ है, अरे एक बार लालू के रंग में रंग जाइए तो जब मन करे तब बोलते रहिए, है कि नहीं? धत बुड़बक, धत बुड़बक। और इसी के साथ दूसरा डायलॉग ये है कि जब महागठबंधन की सरकार जब थी तो उस समय हेमा मालिनी जो है वो पटना आई थी, और उनकी तारीफ करने के दौरान लालू ने ये कहा था डायलॉग था कि मैं उनका एयर कंडीशनर हूँ। ये कैसे कही? ये एक्चुअली बात उन दिनों की है जब बिहार की सड़कें खराब थी और लालू प्रसाद यादव ने मंच से कहा था कि देखिए बिहार का जो सड़क है उसको हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बन गई तो जब हेमा मालिनी आई यहाँ पर यही एसकेएम हॉल में, तो यही लालू यादव कहते कि अगर ये हमरे फैन है तो हम इनका एयर कंडीशनर हूँ, बुझे कि नहीं? अब इतना ही नहीं, हम हेमा जी को इतना चाहते थे कि हमने अपनी बेटी का नाम भी हेमा रखा था। ये एक जानकारी है जो आप लोग के लिए भी बहुत जरूरी है। अब चलते हैं तीसरे डायलॉग की ओर, लालू का फेमस जो डायलॉग है तीसरा वो है कि यहाँ जो बिहार में आए दिन जो आप चर्चे सुनते रहते होंगे नकल को लेके, एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है, कुछ भी आप कह सकते हैं, अब इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ नकल वकल के दौरान को लेके एक बार लालू ने कहा था कि मैं तो पूरी किताब दे देता हूँ छापने के लिए, उसको कैसे? एक्चुअली उस समय मीडिया में लालू यादव काफ़ी सुर्खियों में थे और नकल का दौर हुआ करता था, तो किसी मीडिया वाले ने पूछ दिया था कि भाई बहुत ज़्यादा नकल हो रहा है बिहार में, बिहार की बदनामी हो रही है, तो लालू ने अपने ही अंदाज में कहा था बट अरे देखिए ये सब मीडिया का अफवाह है, अरे हमरा बस चले तो हम पूरा किताब में
कॉपी जो है परीक्षा में फ्री कर दें, है कि नहीं। हालांकि ये अंदाज जो था उनका वो मजाकिया था, वो ऐसे कहा नहीं था, लेकिन आज भी ये डायलॉग उनका बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है। चलिए चौथे डायलॉग की बात आती है। चौथा जो फेमस डायलॉग है वो था जब वो रेल मंत्री पद पे थे तो उन्होंने कहा था कि बयान के दौरान कहा था कि अगर आप गाय को पूरी तरह नहीं दूहेंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगी, तो इसमें क्या करेंगे? तो एक्चुअली ये एक कमेंट था, लालू प्रसाद यादव हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं और रेल मंत्रालय के दौरान जब रेलवे बजट पास हो रहा था तो विपक्ष ने कुछ पूछा कि आप तो रेलवे को ले डूबे, तो अब उन्होंने उसके ऊपर जो जवाब दिया था उसका ये रिप्लाई था और उन्होंने सदन में कहा था कि देखिए विपक्ष का काम है हल्ला करना, बुझे कि नहीं, और जब विपक्ष हल्ला करती है तो लालू यादव जवाब देता है, डरता ना है किसी से और डरने का काम भी नहीं है, क्योंकि रेल मंत्रालय लालू जी के जिम्मे में है और लालू यादव रेल मंत्रालय को उस गाय की तरह दूह लिए थे जैसे कि एक गाय को दूहा जाता है। तो दोनों मामले में लालू यादव बहुत माहिर हैं, चाहे वो पशुपालन में हो या रेल मंत्रालय में हो। जी मतलब ये मजेदार जो सिलसिला है ना, हम आपके साथ हमेशा रखते रहेंगे। तो अब आ गई डायलॉग नंबर 5 की जो काफी फेमस रहा है, और पांचवा डायलॉग ये है कि उन्होंने एक बार कहा था कि अगर हम काम नहीं करेंगे, इतना काम करते हैं कि अगर हम आराम नहीं करेंगे तो पगला जाएंगे, और इसको लालू जी कैसे बोलेंगे थोड़ा सा ये जानते हैं। एक्चुअली ये वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और आज उनका जन्मदिन है, तो इसमें को इस मौके पर लालू प्रसाद यादव की कुछ अनटोल्ड स्टोरी जो उसी में एक ये भी स्टोरी है कि मीडिया ने कमेंट करते हुए पूछा था कि आप बिहार की जो है बहुत बदनामी हो रही है, तो उसी पर लालू प्रसाद यादव ने कहा था आराम नहीं करेंगे तो पगला जाएंगे, हैं, इसलिए आराम करना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि हम तो बिहार सरकार के कर्मचारी को भी कहते हैं कि दालू का बहुत दौर याद कीजिए, आज तो जो नीतीश बाबू हैं खाली सरकारी कर्मचारी से खटवा रहे हैं, हमारे टाइम में तो कोई काम ही नहीं था, इसीलिए लालू जी के समय में लोग कहते थे कि आराम हराम है कि नहीं। जी और ये बात कहते थे कि अगर हम इतना काम करते हैं कि काम नहीं करेंगे, मतलब अगर काम इतना करते हैं कि आराम नहीं करेंगे तो पगला जाएंगे। जी एक बार ना ये बड़ा ही फेमस डायलॉग है लालू प्रसाद का कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लालू प्रसाद यादव का ही डायलॉग नहीं था, ये डायलॉग इतना पॉपुलर हुआ कि फिल्म से लेके आप गली मोहल्ले में चले जाएं तो जहाँ भी समोसे बिकते हैं या समोसे लोग खाते हैं तो अचानक से कहीं ना कहीं ये जहन में आ जाता है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। तो ये उनका जो अंदाज था कहने का वो ये था कि जब पूछा कि लालू प्रसाद यादव जी की सत्ता कब तक रहेगी तो उन्होंने अचानक से उनकी जो हाजिर जवाबी जिसको बोलते हैं तो उस अंदाज में उन्होंने कहा था कि देखिए जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, अब बिहार से भले ही लालू यादव आज कहीं और हैं लेकिन जन्मदिन तो आखिर सब कोई समोसा खा के मना रहा ना जी, है कि नहीं। चलिए तो आप भी बोलिए जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। ये भी कहा था कि बिहार में कभी वो आलू महंगा नहीं होने देंगे। बिल्कुल आलू लालू और बालू, जब तक लालू जी रहे आलू बालू चलता रहा, लेकिन देखिए समय कितना खराब चल रहा है, सब बंदी के तादाद पर है। अब बंदी से याद होगा आपको, यही बंदी में जब हम वहाँ थे रांची में तो मीडिया कर्मी को हमने क्या कहा था, लाल पानी पीना शुरू कर दीजिए क्योंकि बिहार में बंदी है। तो ये एक अंदाज था लालू प्रसाद यादव, अंदाज था, और अंदाज की जो चर्चा है वो हम कर रहे हैं, उनकी जो फेमस डायलॉग्स थे उन पे हम बातचीत कर रहे हैं, और भी डायलॉग्स हैं फेमस हमारे पास तो उन पे भी थोड़ा सा हम क्यों ना थोड़ा चर्चा कर लें। और लालू ने एक बार कहा था कि मेरी माँ ने सिखाया है कि भैंसे को पूंछ से नहीं बल्कि हमेशा सिंह की तरफ से पकड़ो, मैंने ज़िंदगी में यही सबक अपनाया है। बिल्कुल ये वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव राबड़ी आवास में रहा करते थे और उस दौर में अभी भी कई गाय हैं जिसका पालन करते हैं और चारा देते हैं लालू प्रसाद। तो उस दौर की बात है जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा था तो उसी के जवाब में एक बार लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि देखिए कौन कहता है कि जानवर जो है लाताड़ी मारता है, हैं, अगर जानवर पक्का हो और उसको अंदर जो समझदारी जिसको कहते हैं अगर उसको हरा चारा खिलाइएगा तो कभी लाते नहीं मारेगा, और सिंह पकड़ के चढ़िए पूछ पकड़ के चढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा, समझे कि नहीं।
समझ गए और जो हमारे दर्शक है वो भी समझ गए कि आप ना सिर्फ एक रिपोर्टर है, बेहतर रिपोर्टर है, बल्कि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट वाले डायलॉग पे जाते हैं जल्दी से। और करीब 2 साल पहले जब आयकर विभाग ने उनके परिवार के खिलाफ जो है छापेमारी की थी, तब उन्होंने कहा था कि अचक डोले कचक डोले, कैरा पीपल कभी ना डोले। तो ये वाला थोड़ा सा देखिए लवली, ये वो दौर था जब CBI और तमाम जो आयकर विभाग हैं वो लालू प्रसाद यादव के आय को खंगालने में लगे हुए थे। तो ये उस वक्त का डायलॉग है और उस वक्त भी वो बहुत मतलब निर्भीक होकर जो CBI हो या आयकर विभाग हो सबका बहुत बखूबी जवाब देते थे। और यही वजह है कि उनके सामने ही वो कहते थे दो तीन चीज़ें, ये जो आपने कहा अचक डोले कचक डोले, तो उसके पहले उनका ये डायलॉग था कि मान लीजिए उनको खैनी खाने की तलब लग गई तो कहते थे देखिए ये सब तो पूछताछ होता रहेगा, अरे हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम भागेंगे नहीं, हम भागने वाले में नहीं हैं, और हमारा आय जो है वो पशुपालन से है, गाय दूध देती है तब हम पैसा कमाते हैं, हम कोई नजायज नहीं करते हैं। इसी बात पे उन्होंने अपने जो उनके जो आसपास के लोग थे तो उनको उन्होंने कहा देखिए ये सब तो इनकम टैक्स फिनकम टैक्स चलता रहेगा, एकाध किले खाने पहले खा लेते हैं उसके बाद आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे, है कि नहीं? जी जी बिल्कुल है। और अब इसी के साथ नेक्स्ट डायलॉग पे जाते हैं। और एक बार ना चारा घोटाला के मामले में पेशी के सिलसिले में लालू रांची में थे, वहाँ कुछ बिहारी पत्रकारों को देखकर उन्होंने कहा था कि लाल पानी है अच्छा से ले लेना, हम लोग के यहाँ तो बंद हो रहा है। तो ये अभी उन्होंने कहा भी था, लेकिन हम ये इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि बिहार में शराबबंदी है और झारखंड में चालू है, लालू जी अभी वहीं हैं, तो ऐसे में मीडिया कवरेज के लिए जब लोग गए थे तो पटना से चले गए थे, तो उन्होंने इशारों में उनके ये प्रेजेंटेशन कहलाता है कि कितना उनका दिमाग जो है हाजिर जवाबी है। जब देखा कि मीडिया वाले सारे जुट गए तो उन्होंने एक झटके में सबको हंसाते हुए कहा था कि देखिए अरे सवाल जवाब तो होता रहेगा मीडिया बंधु, पहले आइए झारखंड में आए हैं तो लाल पानी जरूर पी लीजिएगा। तो ये अंदाज था और सारे लोग हंसने लगे थे, इवन कि बहुत सारे लोग जो उस समय कोर्ट में थे वो भी इस बात को सुनकर हंसने लगे थे। तो लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नाम है लवली जो आप जहाँ से शुरू कीजिए आपके अंदर एक चाहे वो गैर विपक्षी क्यों ना हो, लालू प्रसाद यादव को लोग सुनना पसंद करते हैं, उनकी जो मज़ेदार जो बातें होती है लच्छेदार भाषण जो होते हैं वो पसंद करते हैं, और बीच बीच में उनका किसी को टोकने का अंदाज, किसी को डांटने का अंदाज, ये तमाम चीज़ें लालू प्रसाद यादव की लोग याद करते हैं। और 75वें साल में हम लोग भी इसी बहाने लालू प्रसाद यादव को याद कर रहे हैं, और मेरी तरफ से और हम तमाम लोग तो 72वें साल पर लालू प्रसाद जी को तमाम बधाइयाँ शुभकामनाएं, और जन्मदिन इसी तरीके से हर साल वो मनाए, यही मेरी गुजारिश भी है जी। एक मुझे और डायलॉग जो है वो याद आ गया है कि पिछले साल मतलब पिछले बार के इलेक्शन में लालू ने मोदी की भी मिमिक्री की थी, वो कैसे की थी वो गौतम जी बताएंगे। एक्चुअली पटना में एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर उन्होंने मोदी के अंदाज में ये कटाक्ष किया था और कॉमेंट किया था, वो अंदाज ये था जो उन्होंने कहा था भाइयों बहनों बिजली मिली, तो ये जो अंदाज था। अब बीच में उनका ये भी कहना था कि कौन लोग मोदी मोदी की हल्ला करते हैं, देखिए सब लोगों को RSS वाला विश्व हिंदू परिषद वाला आगे बैठ के खाली कहते रहता है मोदी मोदी मोदी, अरे झूठ मूठ का हल्ला करता है, इतना हजार करोड़ दूं दिया क्या, नहीं दिया, सबको जो है झिलफिला के जो है भाग गया, इसलिए मोदी के चक्कर में नहीं आना है, लालू के साथ रहिए, गरीब गुड़वा के पार्टी में रहिए, बुझे कि नहीं। तो ये जो अंदाज था बहुत उनका पॉपुलर हुआ था जी, बुझ गए हम भी, बुझ गए हमारे दर्शक भी बुझ गए। तो अभी हम यहीं पर रुकेंगे, और मुझे भी ऐसे याद है कि इन्होंने कहा कि रुकेंगे, उससे पहले थोड़ा सा मैं अपनी चीज़ें थोड़ा सा बता दूं। सुनने पे इन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को सब सुनना चाहते हैं, ये वाकई सच है, क्योंकि मेरे गांव में जब लालू प्रसाद आते थे कभी कभार जब रैली के दौरान, तो जब वो आते थे तो जैसे भीड़ उमड़ती थी, जैसे कि मतलब इतनी उनको सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती थी, जमावड़ा लग जाता था, और मतलब उनको सुन
टाइम के लोग जो मजे लेते थे वो उस समय में भी मतलब आज भी लोग उसे याद करते हैं और उसे याद करके अपने उन पुराने दिनों को हंसते रहते हैं कि लालू ऐसे बोलते हैं, लालू ऐसे बोलते हैं। लेकिन वाकई उनकी जो बोली है ना वो वाकई लोगों को पसंद आती है जिस अंदाज में वो बोलते हैं, और उसके लिए वो काफ़ी लोकप्रिय हैं, ना कि सिर्फ हमारे बिहार में, भारत में, बल्कि देश विदेश तक वो फेमस है और उनके बोलने का अंदाज फेमस है। तो आज हम यही रुकेंगे। और आपका इसमें से कौन सा फेवरेट डायलॉग रहा, आपको कौन सा पसंद आया, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ अजय भारत।